उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और दरोगा के पदों को लेकर के जो अभ्यर्थी इस समय परेशान थे कि भर्ती कब तक आएगी, कब तक नोटिफिकेशन आएगा, टेंडर कब जारी होगा और कब हमें एग्जाम देने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों आज एक बड़ी खबर निकल के आई है, भर्ती बोर्ड ने आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। वैसे तो अभी इस खुशखबरी को हम खुशखबरी नहीं मान रहे, लेकिन जो कहते ना एक आशा की किरण, तो वो आशा किरण हर बार हर 15 दिन में दिखाई दी जाती है और इस बार फिर से दिखाई गई है। लेकिन अब उम्मीद है कि हो सकता है कि ये आशा की किरण आखिरी हो और हमें भर्ती देखने को मिल जाए। तो दोस्तों टाइम ना खराब करते हुए हम सीधा चलते हैं पॉइंट पे कि क्या है आखिर माजरा। तो आप सभी को बता दें कि भर्ती बोर्ड ने आज अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ अपडेट किए और जानकारी दी कि कितने पदों पर कब भर्ती जारी होगी। तो चलिए चलते हैं और देखते कहां पर यह बात कही गई है। जब आप सबसे पहले आएंगे उत्तर प्रदेश पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर, यूपी वाली जो आपकी है, उत्तर प्रदेश प्रोन्नति भर्ती बोर्ड की, ठीक है, तो यहां पर आप सबसे पहले आएंगे और जैसे ही होम पेज खुलेगा, होम पेज खुलते ही आप यहां पर FAQS पे क्लिक करेंगे। FAQS पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक ऐसा आपको पेज खुल के दिखेगा और यहां पर आपको दिखाई देगा सबसे पहले पूछा गया जो 9534 में इसमें सवाल पूछे गए और जवाब आया है। पूछा गया है 15 लाख रुपए का जो धांधली वाला मैटर था उसका जवाब दिया, उससे हमें कोई मैटर नहीं है। यहां पर कैलेंडर कब तक जारी हो सकता है, एक किसी ने पूछा उत्तर प्रदेश पुलिस में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए कैलेंडर कब जारी होगा, तो बताया गया है चयन वर्ष 2023 तक विभिन्न पदों पर, यहां बताया गया चयन वर्ष 2023 तक विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव अध्याचन के आधार पर भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर तैयार कराया जा रहा है, शीघ्र जारी किया जाएगा। मतलब कि कैलेंडर तैयार करवाया जा रहा है, जल्द ही जल्द आपको जारी कर दिया जाएगा कि कब किस महीने में कौन सी भर्ती आएगी। मतलब इस बार हो सकता है कि जैसे SSC कराती है कैलेंडर पहले से जारी करके डे वाइज डे की बिल्कुल फिक्स कर देती है डेट, हो सकता है इस बार उत्तर प्रदेश में ये चीज अपनाई जाए और कैलेंडर पहले से जारी कर दिया जाए। उसके बाद हम दूसरी बात करें, अगर हम उसके बाद बात करें उपनिरीक्षक एवं समकक्ष पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन कब तक आएगा, तो भाई यहां पर देखोगे तो यहां पर सीधा सीधा एक चीज लिखी है, उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के कुल 3269 पद। अभी क्या कहा जा रहा था, अभी 2400 प्लस पद कहे जा रहे थे, क्या कहे जा रहे थे, अभी 2400 प्लस पद कहे जा रहे थे, जो वो वीडियो वायरल हुआ था जब माननीय मुख्यमंत्री साहब थे और वो नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, तब कहा गया था 2469 पदों पर, 2400 लगभग कुछ पदों पर भर्ती आएगी। लेकिन आज उन्होंने जवाब दिया 3269 पद इसके होंगे सिविल के होंगे और वहीं पर द्वितीय अग्निशयम द्वितीय अधिकारी के 29 पद होंगे, भर्ती हेतु अध्याचन प्राप्त हो चुका है। मतलब 3269 प्लस 29 का अध्याचन प्राप्त हुआ है, भर्ती कैलेंडर तथा विज्ञापन यथाशीघ्र जारी किया जाएगा। मतलब सीधा विज्ञापन भी जारी किया जाएगा कैलेंडर के साथ। तो यह दूसरी खुशखबरी है आप सभी के लिए। अगर इसके बाद बात करूं तीसरी खुशखबरी की, तो पुलिस आरक्षी के पदों पर भर्ती आगामी भर्ती कब तक आएगी, तो यहां पर उन्हें बताया कि लगभग कितने पद होंगे। तो अगर आप पूरी न्यूज पढ़ें तो आरक्षी नागरिक पुलिस जिसे हम कहते हैं सिविल पुलिस, उसके लगभग 41811 पद होंगे। किसके सिविल की बात करूं तो 41811 पद होंगे, 41811 पद होंगे दोस्तों सिविल के, 41811 पद होने वाले हैं। और उसके बाद बात करूं तो आपके PAC के 10,998 कितने 84 है भाई 84, फायरमैन के आपके 1007, जेल वार्डर के आपके 2833 और वहीं पर विशेष सुरक्षा जो अब इस समय पुलिस विभाग में अलग से भर्ती की जा रही विशेष सुरक्षा के लिए मंदिर में और अन्य जगहों पर जहां पर अलग पुलिस बनेगी उसके लिए 1341 हुआ, महिला बटालियन हेतु आरक्षी के 771 पद भरे जाएंगे, महिला बटालियन के लिए अलग से विशेष सुरक्षा के लिए 761 पद भरे जाएंगे। तो समझ सकते हो कि मेल और फीमेल मिला के लगभग अगर सभी को जोड़ो तो कितने मेरे दोस्त
कितने, तो 58,000। कितने कितने अगर यहां पर मैं बात करता हूं तो यहां पर लगभग 58,000 मेरे दोस्त भर्ती आएंगी। कितनी आएंगी? 58,000 प्लस भर्तियां आने वाली हैं। अब समझ सकते हो आप कि आपको कितना बड़ा मौका मिला है तैयारी करने का। देखिए, भर्ती कब आ रही है कब नहीं आ रही उससे मैटर नहीं करता, आपकी तैयारी कितनी है मैटर वो करता है। क्योंकि अगर 49,568 की तरीके आपके साथ हुआ तो यकीन मानना दोस्त, सपना जो वर्दी का है वो सपना ही रह जाएगा, कभी साकार नहीं होने वाला। जानते हैं आप कि नवंबर में नोटिफिकेशन आया था, जनवरी में 27-28 जनवरी को पेपर करवा लिया गया था 49,568 का। क्या पता इसके साथ भी ऐसा हो। तो तैयारी आप अभी से रखिए, भर्ती जब आएगी देखा जाएगा, एज मिलती है या नहीं वो देखा जाएगा। लेकिन ये कहना चाहूंगा, जिसका भी भाई 3 साल ऊपर एज है तो वो तैयारी करता रहे, क्योंकि एज में छूट 100% मिलने वाली है, उसमें कोई दो राह नहीं। तो आप अपनी तैयारी लगातार करिए, जिनकी 3 साल ओवर हो गई है वो भी तैयारी लगातार करते रहिए। अगर एज में छूट मिलती है तो भी अच्छा है, नहीं मिलती तो हम सब मिलकर के एज में छूट के लिए पूरा प्रयास करेंगे। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, मिलकर कोशिश करेंगे। बस इस बार वर्दी का सपना सबको साकार करना है। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हुई होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।